सो हाय गाइस, कैसे हो सारे। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RGB XP बार प्लस RGB इन्वेंट्री के एड ऑन के बारे में, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा OP देखने को मिलेगा। अगर आप मेरा नीचे हॉट बार देखेंगे तो इसमें RGB जो लाइटनिंग है वो हो रही है। इसी के साथ साथ आप पता है इसका इन्वेंट्री खोलेंगे तो आपको उसमें भी RGB लाइट वगैरह देखने को मिलेगी। तो हम एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो के दिखाने वाला हूँ इस एड ऑन की। तो चले बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको एक एक करके जो इसमें जितनी भी चीज़ें आपको बेस्ट मिलते हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपना कैमरा पर्सपेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने कैमरे पर्सपेक्ट फर्स्ट पर्सन व्यू में। सबसे पहले आप इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री भाई क्या ही लग रही है, एकदम RGB लाइटनिंग के साथ। उसके बाद आपको ये जो सारी चीज़ें इनको खोलने पर भी अलग ही इन्वेंट्री देखने को मिलेगी। जैसे इंचांटेड टेबल देखिए आप, और ये बीकन देखिए। मेरे को पर्सनली बीकन सबसे ज़्यादा OP लगा है, जो इसमें RGB लाइट जो जल रही है। बैरल और चेस्ट भी इसका ऐसे ही होगा जैसे बैरल है। उसके बाद ये आपको मिल जाती है स्मिथिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल, सब में जो है RGB लाइटनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रही है। ये जो फर्नेस है ना, इसके बाद मैं आपको फर्नेस की भी एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले मैं कोल और वो ले लेता हूँ स्टोन, जिससे कोबल स्टोन मैं आपको दिखाता हूँ फर्नेस में क्या ही बेस्ट चीज़ है। जैसे देखिए, उसके बाद ये पहले फोटोग्राफी टेबल मिल जाती है इसका, आप देखिए इसमें भी RGB लाइट हो रही है। अभी ये देखिए फर्नेस, सबसे पहले मैं ऊपर रखता हूँ कोबल स्टोन और नीचे कोल। तो आप ये देखो, ये जो एरो जा रही है ना, इसमें ये जो लाइटनिंग है भाई क्या ही OP लग रही है। और साथ ही साथ में इसके ये देखो, ये जो नीचे कोल और कोबल स्टोन के नीचे जो लाइटनिंग चल रही है ये भी बहुत ही ज़्यादा OP लग रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इसमें हम बात करते हैं कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, सिंपली आपको वहाँ से इसे डाउनलोड करना है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। जैसे मैंने आपको बताया, आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा। और आप देखिए आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आपको इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने देना है इसे। नीचे आप देखिए डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और सिंपली से ये डाउनलोड हो चुका है। अब नीचे आपको बैक कर देना है, इसको ओपन नहीं करना है। यहाँ से बैक करके आपको एक ZArchiver एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर से, आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ZArchiver एप्लीकेशन को ओपन करना है और अपना ये जो डाउनलोड का फोल्डर इसमें सर्च करना है। देखिए सर्च करके ये आगे हमारा RGB इन्वेंट्री और GUI, इस पर सिंपली आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या करना है, रिनेम कर देना है। ये जो पीछे आपको ZIP फाइल दिख रहा है इसको सिंपली से कट कर देना है और ये कट हो गया, हमसे पैक तक रहने देना। और ये 1 मैंने 2 बार डाउनलोड किया था, इस वजह से 1 लिखा गया है, तो आपको इसे कट करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉरी ये RGB वाले को व्यू करना है। और ये जो आपको जितना ही फोल्डर दिख रहा है ना, इसके लिए आपको सबसे पहले बैक आके जो गेम्स का फोल्डर दिखेगा आपको, इस पर com.mojang पे रिसोर्स पैक पर क्लिक करके यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना होगा। ये देखिए न्यू फोल्डर क्रिएट किया है, यहाँ पे आपको लिखना होगा एनिमेटेड और इसके बाद हॉट बार, आपको ये करके एक पूरा बना लेना है। और फिर आपको दोबारा उसी डाउनलोडिंग के फोल्डर पे आना है, डाउनलोड्स वाले में फिर से आपको इस पर क्लिक करके रखना है। एक बार क्लिक करना है बस, एक बार जैसे क्लिक करके आपको सेकंड नंबर पे एक्सट्रैक्ट दिखेगा इस पर क्लिक करना है। फिर आपको दोबारा गेम्स के फोल्डर पे आना है, फिर com.mojang, फिर रिसोर्स पैक पे जाके आपको एनिमेटेड हॉट बार वाले के अंदर इसे सिंपली से एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो इसे एक्सट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होने देते हैं, फिर उसके बाद अपना जो गेम है इसे सिंपली से ओपन करके देखेंगे कि उसके अंदर सक्सेसफुली ये जो है लग चुका है कि नहीं। तो आप देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे तो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आप सिंपली से हम अपना जो है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को है उसको ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, फिर ग्लोबल रिसोर्स पे जाके माई पैक्स पे जाना है। और ये देखिए एनिमेटेड RGB इन्वेंट्री GUI आ चुका है, इसको एक्टिवेट कर देना है। और आप देखिए एक्टिव में आ चुका है ये, और सिंपली से आपको बैक कर देना है सेटिंग के ऊपर से। बैक करने के बाद अब मैं आपको एक जो है वर्ल्ड अपनी जनरेट करके दिखाता हूँ और इसमें दिखाता हूँ कि सक्सेसफुली ये जो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। सबसे पहले मैं अपनी एक वर्ल्ड ओपन कर लेता हूँ, तो वर्ल्ड लोडिंग हो रही है, थोड़ी से रिसोर्स पैक जो है वो लोडिंग होंगे। उसके बाद लोडिंग होती है हमारी ये जो वर्ल्ड, अब देखिए सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। उसके बाद अब आप पहले जो नाइट हो रहा है इसको मैं सिंपली से डे करूँगा। सबसे पहले आप ये देखिए इन्वेंट्री सक्सेसफुली लग चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री में RGB जो लाइट होगा वो लगेगा। पर्सनली मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा है ये वाला, ये जो GUI है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए सबसे बेस्ट लगा है ये मेरे को। इसमें क्राफ्टिंग टेबल मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से प्लेस करके। देखिए क्राफ्टिंग टेबल पर क्लिक किया मैंने, क्राफ्टिंग टेबल भी देखिए इसमें भी सक्सेसफुली लग चुका है। और फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये देखिए, जैसे कि बीकन। आप बताना आपको सबसे अच्छा क्या लगा, मेरे को तो बीकन अच्छा लगा था। जल्दी से कमेंट डाउन कर देना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। सबसे पहले मैं डे कर लेता हूँ, टाइम सेट डे।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सब जल्दी से जाकर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो और उसके साथ साथ आप मेरे साथ खेल सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो फ्रेंड्स बाय बाय। It's hard to breathe, but that's alright.